नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने पॉकेट यू के ऊपर, जो सेक्टर 20 यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर है। इसमें 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, बहुत ही बढ़िया पॉकेट है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और काफ़ी सारी जानकारी हमने दी है इस वीडियो के अंदर। मैप के ऊपर भी आपको समझाया है, एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या पॉकेट यू के अंदर खासियत है। और ग्राउंड कवरेज दिखाई है हमने, फिल्म सिटी के लैंड का व्यू दिखाया है आपको, मैप से लोकेशन आप इसकी खुद भी रिलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जानकारी हमने दी है इस वीडियो के अंदर, आइए देखते हैं पॉकेट यू का वीडियो। इसमें हम ये यमुना एक्सप्रेसवे दिखा रहे हैं आपको, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और यहाँ हम ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहे हैं और ये यमुना एक्सप्रेसवे आगरा की तरफ जाता है। ये हमारा सेक्टर 20 है, ये सेक्टर 18 है और ये हमारा एयरपोर्ट की साइट है, सेक्टर 21 फिल्म सिटी। और आज हम कवर कर रहे हैं सेक्टर 20 के 500 स्क्वायर मीटर के पॉकेट्स, बिल्कुल इसके सामने फिल्म सिटी के सामने जो पॉकेट टी है और यहाँ कॉर्नर पर पॉकेट यू है और फिर आर और एस है। इनके जो एडवांटेज है वो ये है कि बिल्कुल फिल्म सिटी के पास, यमुना एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस बहुत ही कम और साथ में एयरपोर्ट से भी लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये जो रोड जा रहा है सीधा रोड एयरपोर्ट को जा रहा है, ये वाला बीच वाला, इसके भी बिल्कुल टच करते हुए हैं। साथ में काफ़ी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड है, उसके नियरेस्ट कोने पर हैं बिल्कुल। रोड्स पूरी 18 मीटर की हैं। तो जूम करके दिखाते हैं आपको फिर सेक्टर 20 का आगे का फर्दर। तो ये हम फिर आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 20 है, ये जो रोड है 100 मीटर की, ये दोनों को डिवाइड करती है, इधर सेक्टर 20 है और इधर सेक्टर 18 है। हम जो बात कर रहे हैं 500 स्क्वायर मीटर के पॉकेट्स की, देखते हैं। ये वो पांच पॉकेट हैं, टी है, यू है और फिर हमारे पास आर, एस और क्यू है। ये पांच पॉकेट्स हैं, ये सेक्टर 21 फिल्म सिटी है, इधर बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे है, ये 100 मीटर का रोड जो हमने पहले आपको दिखाया था। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो साइट से ग्राउंड कवरेज। ये जो आप देख रहे हैं ये यू ब्लॉक है और ये देख रहे हैं यू ब्लॉक के बिल्कुल सामने 60 मीटर रोड। और ये जो 60 मीटर रोड है ये डिवाइड करती है सामने ये सेक्टर 21 को, जो फिल्म सिटी का लैंड है। ये जो 60 मीटर रोड है ये सीधे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। ये यू ब्लॉक है, आप यू है आगे टी है। और आइए आपको थोड़ा फिल्म सिटी वाली लैंड का दिखा देते हैं एक व्यू दूसरी तरफ से। ये 60 मीटर रोड है, राइट साइड में सेक्टर 20 यमुना एक्सप्रेसवे का एक बोर्ड भी दिख रहा है हमें लगा हुआ, पॉकेट यू। और ये है फ्यूचर की फिल्म सिटी, उसका लैंड आज की डेट में, लेकिन फ्यूचर की फिल्म सिटी 60 रोड के दूसरी तरफ है। जल्दी ही हम इसमें डेवलपमेंट देखेंगे फिल्म सिटी का। तो दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे हैं 45 मीटर रोड है दोनों तरफ, उन 45 मीटर रोड के ऊपर जो लगते हुए प्लॉट्स हैं उनका हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। साथ में हम शेयर करेंगे बहुत सारी जानकारी वीडियो के अंदर, जैसा कि हम बता रहे थे। तो ऐसे दर्शक जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये जानकारी मैं शेयर कर दूं कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के काफ़ी बढ़िया हॉट प्रॉपर्टीज़ के वीडियो शेयर करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं या इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा हमारा चैनल। और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में भी उनको पोस्ट कर सकते हैं। जैसा देखा होगा लगभग हर वैलिड क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो
अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो लाइक करें। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं यू ब्लॉक के जो 45 मीटर रोड के ऊपर प्लॉट्स लगते हैं, तो ये आप पूरा साइट का कवरेज देख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, यू ब्लॉक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। पूरा जो इंडस्ट्रियल सिटी है ईडा सिटी, उसके बिल्कुल कोने पे पड़ता है जैसे हमने बताया। और इसके अंदर टोटल आपके 412 प्लॉट्स हैं, और इसमें जो पार्क्स हैं लगभग 5 बड़े बड़े पार्क हैं, और एक पार्क हमने इसमें दिखाया भी है, वीडियो में आपको दिखाएंगे एक पार्क का व्यू जिसमें प्लांटेशन कर दी है अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी ने प्लांटेशन का काफ़ी ध्यान रखा है, आप देख सकते हैं कि सभी प्लॉट्स के आगे प्लांट्स लगा दिए हैं, और इनके तरफ काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसमें तो भी काम नहीं हुआ है, जालियां लगाई हैं ताकि जो ये घास चरने वाले या पशु हैं वो इनको डैमेज ना करें प्लांट्स को। तो ऐसी जालियां लग रही हैं, काम चल रहा है, बहुत ही एग्रेसिव मोड में काम चल रहा है। लास्ट 1 ईयर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे ईडा सिटी के अंदर। तो जिनको इस के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है, उनको मैं बेसिक जानकारी थोड़ी सी और शेयर करूंगा। 500 मीटर के प्लॉट्स हैं ये, और 2009 में लॉन्च हुए थे, 4750 के प्राइस पे लॉन्च हुए थे। 500 मीटर में बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स हैं, लगभग 2300 प्लॉट हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो 300 मीटर के जो प्लॉट्स हैं उनसे कई गुना कम हैं। और इसमें 4750 में लॉन्च हुए थे, बाद में फार्मर कंपनसेशन भी आया था इसमें 1330 रुपये का, तो उसको जोड़ के लगभग आपका ये 6000 के करीब इसका टोटल प्राइस बैठा था 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का। इनकी जो डायमेंशन है वो 16x31 है, कुछ दशमलव में भी है, एक्यूरेट मेरे पास नहीं है, लेकिन 16x31 का स्टैंडर्ड साइज़ है। फ्रंट जो है 16 मीटर का है, और जो डेप्थ है 31 मीटर की है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था एक प्लॉट की डिमार्केशन के बारे में, साइज़ के बारे में बताया था। इससे जो यू ब्लॉक है इसमें जो खास बात है, 45 मीटर रोड और 60 मीटर रोड, साथ में फिल्म सिटी, ये इसकी खास बात है। बहुत ही वैल्यूएबल जो पॉकेट है ये है, पॉकेट यू और पॉकेट टी दोनों ही, दोनों की इम्पोर्टेंट। इसमें यू जो प्लॉट, यू जो पॉकेट है वो खासकर है, फिल्म सिटी के सामने भी है और पूरा इंडस्ट्रियल के लिए ओपन है। यहाँ से जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, वो केवल 10 किलोमीटर पड़ता है। अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा आपको पता है पैसेंजर्स के लिए भी यूसेज हो गया है, कार्गो था पहले फिर पैसेंजर्स के लिए, अब इसमें मेंटेनेंस हब का भी और ऐड कर दिया है, और ये लगभग काफ़ी बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बोला जा रहा है एयरपोर्ट, वर्ल्ड का भी 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो यहाँ फिल्म सिटी बिल्कुल लगती हुई है, हमने आपको इसमें वो दिखाया था शुरू में वीडियो में, उसका लैंड भी दिखाया था। साथ में आप इन प्लॉट्स को रीसेल में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास है, हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री रहती है रीसेल का, हम प्लॉट्स सेल परचेज करते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रीसेल के प्लॉट्स के लिए। और दोस्तों इसमें आपका रीसेल में कोई हर्डल नहीं है, प्रोसेस बहुत इजी है। इसमें दो तरह के प्लॉट आपको मिलते हैं, एक ऐसे प्लॉट जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और ऐसे प्लॉट जो अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड डजंट मीन दैट प्लॉट्स आर अनअप्रूव्ड, अनरजिस्टर्ड वो प्लॉट्स हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनमें अभी पोजेशन नहीं मिला है, वो भी अनरजिस्टर्ड हैं। ऐसे भी प्लॉट्स हैं जिनमें पोजेशन मिल गया है। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जैसे मैंने आपको बताया, अनरजिस्टर्ड में केवल ट्रांसफ़र होता है और रजिस्टर्ड में ट्रांसफ़र के साथ रजिस्ट्री भी होती है। आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2021 के अंदर, तो यहाँ पे जो सर्कल रेट है आज 17,500 का रेट है, उनके हिसाब से जो प्लॉट की प्राइस बनती है वो लगभग 85 लाख प्लॉट की प्राइस बनती है। और जो इसमें टोटल डिपॉजिट है, कुछ लोगों का इसमें 38 लाख डिपॉजिट है, कुछ लोगों का 40 लाख डिपॉजिट है, डिपेंड करता है कौन सा पेमेंट प्लान है और कितना इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है। मैं बता रहा था आपको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के बारे में, दोनों में ही ट्रांसफ़र पॉसिबल है। जो सेलर है वो अपना सारे ओरिजिनल्स लेके आता है, मैं अनरजिस्टर्ड के ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी डाउट्स होते हैं अनरजिस्टर्ड के ट्रांसफ़र के अंदर, और प्रोसेस बहुत सिंपल है। सेलर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स सरेंडर कर देता है,
और ये लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। एक दिन पहले आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाती है। एक ट्रांसफ़र किट है, हीडा की ट्रांसफ़र किट है। ट्रांसफ़र चार्जेस हैं 832 रुपये पर स्क्वायर मीटर के ट्रांसफ़र चार्जेस हैं। कुछ मिसलिनियस चार्जेस भी हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, तो वो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट जो पूरा एक्सपेंसेस है वो बता दूंगा। लगभग आप मान के चलिए जो ट्रांसफ़र में आपका जो खर्चा है 5,15,000 रुपये के करीब का खर्चा आता है। लगभग 4 लाख के करीब का DD लगता है आपका, जो 832 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ईडा को जाता है। तो आपका 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, आप डायरेक्ट अलॉटी की तरह ही बन जाते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ट्रांसफ़र होने के बाद, वो सारे पुराने ओरिजिनल्स मिल जाते हैं। साथ में आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है, एक आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बनता है। नॉर्मली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलर बियर करता है, तो जो भी जो उसमें स्टाम्प लगता है, वो जो लॉगिन कॉस्ट है, वो कितनी लॉगिन कॉस्ट है, कितनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके बेसिस पे ये लगता है। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेलर को मिल जाते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद अथॉरिटी में जाते हैं, सेलर का वेरिफिकेशन होता है, बायर का वेरिफिकेशन होता है। बस बहुत ही इजी प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब है, एक दिन पहले सब कुछ रेडी हो जाता है, 1-1.5 घंटे में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब अथॉरिटी इसमें ऑफर ऑफ पोजेशन भेजेगी, तो डायरेक्ट आप ही को भेजेगी, जो नया बायर होता है उसी को भेजेगी। फर्स्ट पार्टी एग्जिट कर जाती है। इसमें अनरजिस्टर्ड में एक और कैटेगरी भी है, ऐसे प्लॉट्स भी हैं जहां पे ऑफर ऑफ पोजेशन आ चुका है और अभी पार्टी को सारी पेमेंट डिपॉजिट करनी है, अलॉटी को सारी पेमेंट डिपॉजिट करनी है। उसमें भी प्रोविज़न है, लेटर आने के बाद भी प्लॉट तैयार है, उसमें ऑफर ऑफ पोजेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी जो अलॉटी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। उस केस में जो बायर है, ट्रांसफ़र कराने के बाद उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो तुरंत अपना रजिस्ट्री भी करा सकता है, केवल ऐसे प्लॉट्स में जिसमें ऑफर ऑफ पोजेशन आ चुका है। तो दोस्तों, ये हमने काफ़ी प्रोसेस दिखाया। लोन भी है, सारे नेशनलाइज बैंक लोन कर रहे हैं, लोन केवल रजिस्टर्ड प्लॉट्स में ही होता है। ये हमने आपको व्यू दिखाया, साथ में जानकारी शेयर करी है आपको, 500 मीटर के प्लॉट्स जो पॉकेट यू के, हमने काफ़ी कवरेज दिखाई है आज पॉकेट यू की। तो जैसा कि हमारी कंपनी स्क्वायर मीटर्स रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं यू ब्लॉक में अच्छी इन्वेंट्री के लिए। हम यमुना एक्सप्रेसवे property.com, आपने सुना होगा, काफ़ी जानी पहचानी हमारी वेबसाइट है, इस पे भी आपको इन्वेंट्री हमारी लिस्टेड मिल जाती है, जो भी अवेलेबिलिटी होती है। आप दिए गए फ़ोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम जो रियल टाइम इन्वेंट्री है वो व्हाट्सअप पे रखते हैं, आप फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे तुरंत ही मैं आपसे शेयर कर दूंगा इन्वेंट्री। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।